हम ये काम इसलिए कर पा रहे हैं कि आप जैसी कोई एक महिला जो हमारी पत्नी है, डॉक्टर है, अपना डॉक्टरी छोड़कर घर परिवार का जिम्मा उठाए है कि जाओ भाई तुमको जो करना है बिहार में करो। आज हमारी पत्नी को हमने बुलाया है इसीलिए पहली बार आपसे परिचय कराने के लिए। हमारी पत्नी होंगी, यहाँ खड़े हो जाइए। इनका नाम है डॉक्टर जाह्नवी। अरे आपको नहीं खड़ा होना, बैठ जाइए। आप कहे खड़े हो रहे, उन्हीं को खड़ा होने दीजिए, उनको बैठने दीजिए, उनको बैठने दीजिए। उनका परिचय का कोई महत्व नहीं है। बैठिए बैठिए बैठिए। यहाँ की नहीं है, बिहार की, हिंदी में ना बोल पाएंगी। ये असम की है, हिंदी में नहीं बोल पाएंगी। इनको बैठने दीजिए। आप हमारा दशा देखिए, हम दो बरस से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहे हैं। लोग गांव में कहता है ए भाई आदमी घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है, लेकिन हम ये काम इसलिए कर पा रहे हैं कि आप जैसी कोई एक महिला जो हमारी पत्नी है, डॉक्टर है, अपना डॉक्टरी छोड़कर घर परिवार का जिम्मा उठाए है कि जाओ भाई तुमको जो करना है बिहार में करो, लेकिन हम घर परिवार का जिम्मा उठाते हैं। आज हमारी पत्नी को हमने बुलाया है इसीलिए पहली बार आपसे परिचय कराने के लिए। हमारी पत्नी होंगी, यहाँ खड़े हो जाइए। इनका नाम है डॉक्टर जाह्नवी। अरे आपको नहीं खड़ा होना, बैठ जाइए। आप कहे खड़े हो रहे, उन्हीं को खड़ा होने दीजिए। ये परिचय इसलिए करा कि आपका भाई काम इसलिए कर पा रहा है कि कोई महिला पीछे घर परिवार का जिम्मेवारी उठाई है। इसीलिए घर में जितने भी पुरुष आकर यहाँ काम कर रहे हैं जनसुराज में, वो इसलिए कर पा रहे हैं कि आप जैसी कोई महिला उसके पीछे खड़ी हैं कि जाओ राजनीति करो, खाना हम बनाएंगे, बच्चों की चिंता हम करेंगे। तो जब आप हमारा बोझा उठा रही हैं, तो हम लोग का ये हक फर्ज है कि आपको हक से ज्यादा मिले। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए कि योगदान के हिसाब से मिलना चाहिए? योगदान के हिसाब से मिलना चाहिए। संख्या तो आपकी है ही, आपका योगदान बहुत बड़ा, आपका आशीर्वाद है, आपका ये सहयोग है, जिसके वजह से पुरुष समाज के लोग कुछ न कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। इसलिए आज आपको बुला कर ये आ रहे हैं। अब आप बताइए, अगले विधानसभा चुनाव में आपके राखी के बदले आपकी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? हमने 40 तय किया, शायद कम है, लेकिन आप सब लोग खाना बनाते हैं। आपको मालूम है कि बढ़िया खाना भी, उनको बैठने दीजिए, उनको बैठने दीजिए सर। उनका परिचय का कोई महत्व नहीं है। बैठिए बैठिए बैठिए। यहाँ की नहीं है, बिहार की, हिंदी में ना बोल पाएंगी। ये असम की हैं, हिंदी में नहीं बोल पाएंगी। इनको बैठने दीजिए। तो इतना दिखा रहे हैं कि हम काम इसलिए कर पा रहे हैं कि कोई महिला हमारे पीछे खड़ी है। तो जो भी पुरुष जन सुराज में जुड़कर काम कर रहा है, वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि कोई ना कोई आप जैसी महिला उसके पीछे खड़ी है। खाली इतना समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं।